हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। आज तो बाद जो तुसी बिजली इस्तेमाल करोगे उधर कोई बिल नहीं हो, जीरो बिल आओ। महिलाओं के लिए भी हमने ऐलान किया है कि हजार हजार रुपए हर महिला को हम देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे, 18 साल से ऊपर की जो भी महिला है। पंजाब में ऐसे ही वादों के दम पर सत्ता भगवंत मान को मिली। इनकलाब बोले सो निहाल। लेकिन समस्या सरकारी कर्मचारियों के सैलरी संकट की कहते ऐसी आई कि मार्च में बनी सरकार अगस्त की सैलरी सितंबर में वक्त पर नहीं दे पाई तो कर्मचारी नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन अलग अलग जगह पंजाब में होने लगे। वजह यह है कि पंजाब में जहां हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों का वेतन आ जाता था, वहां अगस्त का वेतन पंजाब में सितंबर की 7 तारीख की दोपहर तक नहीं पहुंचा। दावा हुआ का ऐसा पहली बार हुआ। आगे कभी भी ऐसे नहीं हुआ। अब हमारी 8 तारीख हो गई है, हमको सैलरी नहीं मिली। सानू पैसा चाहिए, सानू अपनी तनख्वाह टाइम सिर चाहिए है। बैंक खाते में उतने पैसे नहीं है कि हमारी किस्तें कटनी है। हमारी 25-25-30 हज़ार बैंक की किस्तें जा रही हैं, तो हम कहां से मांग मांग के उनको पूरा करके अपनी किस्तें भरेंगे। वे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे शहरों में जैसे मोहाली में रह रहे हैं, ट्राई सिटी में रह रहे हैं, यहां पे खर्चे दुगने हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहें एटलीस्ट टाइम पे आ जाएं। कर्मचारी परेशान हुए क्योंकि सैलरी वक्त में खाते में नहीं आई, आगे EMI चुकानी है। वजह समझने के लिए पंजाब की आर्थिक हालत देखिए। पंजाब सरकार के ऊपर इसी साल बिजली सब्सिडी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए की वो फ्री बिजली शामिल है जो वादे के आधार पर देनी है। दिसंबर तक बकाया बिलों को भी माफ करने के चलते 1,298 करोड़ रुपए का बोझ है। पंजाब सरकार पर 20,122 करोड़ रुपए की ब्याज की अदायगी बाकी है। पेंशन के तौर पर 15,145 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। क्या इसीलिए हर महीने जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने पर 2,000 करोड़ का खर्च है, उसे उठाने में पहली बार दिक्कत आई है? भगवंत मान सरकार दावा करती है कि जो मुफ्त वाले वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे और सरकार का खजाना भी भरा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों में पंजाब की डर है क्या आगे वक्त पर वेतन मिल पाएगा।